Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra, motivational speaker, leadership consultant and business coach. आज मैं आपसे बात करूंगा minimum financial risk और maximum business expansion की. अगर आप rapid business expansion growth लेना चाहते हैं तो franchisor, franchisee model को समझना जरूरी है. आप में से कई लोग हैं जिनका business अच्छा है, आपका product अच्छा, आपकी quality अच्छी है, आपकी service अच्छी है और उसको एक प्रोसेस के तहत एक्सपैंड किया जा सकता है बाय बिकमिंग अ मास्टर फ्रेंचाइजर. इसमें मास्टर फ्रेंचाइजर कंपनी के प्रोप्राइटरी टूल्स, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका सॉफ्टवेयर, उसका ट्रेडमार्क, उसके साइनेजेस, उसके बिजनेस के प्रोसेस और मैनुअल्स, इनको आगे दे देता है फ्रेंचाइजी को. इनको बिल्ड करना ज़रूरी है. उसके बाद आप देखिए, एक एक छोटी छोटी चीज़ के मैनुअल्स प्रिपेयर करने हैं. फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में अगर आप फ्रेंचाइजी नहीं भी बनाते हैं तो ये तो वैसे भी करने आपके लिए ज़रूरी है, और ये अगर आप कर गए तो आपका बिजनेस किसी भी समय मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है. आज जो आप अपने कमरे पे गल्ले पे बैठ के काम कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक फ्रेंचाइजर ये फ्रेंचाइजी को देता है, जिसके बदले में उसको रेवेन्यू या प्रॉफिट या रॉयल्टी के रूप में पैसा वापस आता है. कम पैसा खर्च किया लेकिन दूसरे की कॉस्ट पे, दूसरे की इन्वेस्टमेंट पे आप रैपिड एक्सपेंशन का आनंद ले सकते हैं. फ्रेंचाइजी के लिए जीवन आसान हो जाता है, उसको बिजनेस का ब्लूप्रिंट रेडी मिल जाता है, उसको बिजनेस का मॉडल रेडी मिल जाता है, उसको ऑपरेटिंग मेथड्स रेडी मिल जाते हैं और एक नया एंटरप्रेन्योर आपकी मदद से वो रेडी ब्रांड को इमीडिएटली ले लेता है, आपके ट्रेडमार्क को इंप्लीमेंट करके उसको आपके ब्रांड का रेडी कस्टमर बेस मिल जाता है, जिससे वो भी फटाफट ग्रो करने लग जाता है. आज फ्रेंचाइजिंग तो हर एक इंडस्ट्री में हो रहा है. आज ऑटोमोटिव में हो रहा है, रिटेल में हो रहा है, फार्मा में हो रहा है, आज कहीं पेट्स में हो रहा है, चिल्ड्रन में हो रहा है, क्लोथिंग में हो रहा है, किसी भी एसेसरीज में, हर इंडस्ट्री में, एजुकेशन से लेकर के आज शूनेल टू नासा, वेर एवर यू गो देर आर पॉसिबिलिटीज कि आप अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज मॉडल में कन्वर्ट करके जल्दी एक्सपैंड कर जाएं. इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं. आज मैं बात करूंगा फ्रेंचाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से और अगले वीडियो में बताऊंगा फ्रेंचाइजी के पॉइंट ऑफ व्यू से. फ्रेंचाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, तीन मॉडल बड़े महत्वपूर्ण है. एक है कोको, एक है फोफो और एक है फोको. कोको मॉडल क्या है? जिसमें कंपनी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड, यानी कि बिजनेस भी कंपनी का और वो बिजनेस का ब्रांच भी, वो जो ब्रांच हैंडल हो रही है वो भी कंपनी के ही द्वारा ऑपरेट की जा रही है. इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कंपनी का और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर भी कंपनी का. कंपनी को शुरुआत में एक कोको मॉडल पे एक अच्छा ब्रांच तैयार करना बहुत जरूरी है. कोको मॉडल का मतलब क्या हुआ? इस मॉडल को देख के फ्रेंचाइजी आपके पास आएंगे. इसकी लोकेशन अच्छी होनी जरूरी है, इसकी मैन पावर अच्छी होनी जरूरी है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होनी जरूरी है, इस पे फुटफॉल कस्टमर का अच्छा होना बहुत जरूरी है. अगर कोको मॉडल सफल हुआ आपका, यानी कि जो कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड आउटलेट है उसको इतना सफल बना के दिखा दो कि बाकी फ्रेंचाइजी देखने आए, देखो यार कंपनी का ये आज ब्रांच है, बहुत नोट छाप रहे, चलो मैं भी आपके साथ जुड़ जाता हूं. एज अ फ्रेंचाइजर आपको कोको मॉडल पे शुरू में 2-3-4 ब्रांचेस को बहुत अच्छा बिल्ड करना, प्रॉफिटेबल बनाना, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लियरली ट्रांसपेरेंट रूप से प्रोजेक्ट कर पाना बहुत जरूरी है. अगला मॉडल है फोको. फोको क्या होता है? ये फ्रेंचाइजी ओन्ड है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रेंचाइजी करेगा और कंपनी ऑपरेटेड है. इसका मतलब आपको चलाना है लेकिन इन्वेस्टमेंट कोई और कर रहा है. आपको फायदा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रेंचाइजी करेगा और ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर और कंपनी को चलाना वो आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आप मास्टर फ्रेंचाइजर हैं. ये कब कामयाब होता है? ये तब कामयाब होता है जब आपको लगता है कि स्पेशल एक्सपर्टीज, स्पेशल स्किल कोई और नहीं करे, आप ही चलाएंगे. ध्यान दीजिए, अगर आप अपने कंपनी की फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं आपको ढूंढना पड़ेगा आपका बिजनेस मेथड मॉडल क्या है. यहाँ तो मैं वीडियो में कुछ तो बताऊंगा पूरा कोशिश करने के लिए. आप लीडरशिप फनल पे आते हैं, इसके अंदर हमने एक चैप्टर ऐड किया है अपने लीडरशिप फनल प्रोग्राम में ताकि आप इसको समझ सकें. अगला पॉइंट था, ये था फोफो. फोफो का मतलब क्या है? फ्रेंचाइजी ओन्ड और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड. अब इसके अंदर आपने अपना ट्रेडमार्क, अपना ब्रांड, अपना डिटेल्स, मैनुअल प्रोसेस, सब स्टैंडर्डाइजेशन सब उनको पकड़ा दिया. आप उनसे रॉयल्टी लेते हैं, शुरू में एक बड़ा फिक्स्ड अमाउंट उनसे एनुअल ले लिया, उसके बाद आप रॉयल्टीज लेते रहते हैं. अब फ्रेंचाइजी का काम है चलाना, फ्रेंचाइजी का काम है बनाना, खर्चा भी उसका, प्रॉफिट सब कुछ उसी को करना पड़ेगा. ये मॉडल सफल हो सकता है, बहुत अच्छा हो जाता है. इसमें बेसिकली आपकी जिम्मेदारी थोड़ी घट जाती है, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन ध्यान दीजिए वो आपके ब्रांड का इस्तेमाल कर रहा है और अगर उसने सारे स्टैंडर्ड्स को प्रैक्टिस नहीं किया, आप उसको कंट्रोल में अगर नहीं ला पाए तो आपके ब्रांड को बर्बाद भी कर सकता है. फोफो में एक्सपेंशन आसान है क्योंकि अब आपका कुछ खर्चा ही नहीं, आपने तो अपने 4-5 ब्रांच बना के ओके कर दिया, वो सब करते रहेंगे, चलो चलो चलाओ 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 चलाओ, ये फोफो मॉडल है. लेकिन फोफो मॉडल में रिस्क काफी ज्यादा होता है.
उसमें कंट्रोल्स बनाए रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो फोफो भी सक्सेसफुल, देखिए कौन सा आपके लिए चलेगा वो डिस्कशन का मुद्दा है, लेकिन मॉडल अलग अलग हैं। अभी फोको में फ्रेंचाइजी वो होगा जो एक स्लीपिंग पार्टनर की तरह काम करेगा, धंधा आप ही को चलाना पड़ेगा, वो खाली अपना पैसा लगा के बाहर हो जाएगा। लेकिन फोफो में वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व है, उसने अपना पैसा भी लगाया, अपना काम भी करेगा, वो सब कुछ करेगा। इसमें आप आराम से बैठ जाएं और वो भागेगा। अलग अलग मॉडल है, हर एक के फायदे नुकसान है, थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ फायदे तो हैं ही फ्रेंचाइजिंग बिजनेस के, कि आपकी रनिंग कॉस्ट की चिंता नहीं, प्रॉफिट आपके लिए रिकरिंग रेवेन्यू बन जाता है, इंटरनेशनल प्रेजेंस आप रखते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि आप सेंट्रलाइज परचेजिंग या सेंट्रलाइज सिस्टम रखे इतने बड़े ऑपरेशंस में कॉस्ट तो कम आने लग जाती है धीरे धीरे आपके लिए। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी कई हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस के, केवल एडवांटेजेस नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, वो जो फ्रेंचाइजी आपके ब्रांड का इस्तेमाल कर रहा है, अगर आपने ठीक से उसे कंट्रोल नहीं किया, वो आपके पूरे धंधे को चौपट करने की क्षमता रखता है। एक बड़ी गलती उसने करी, आपका पूरा धंधा उड़ गया। इसलिए शुरू से ही फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर अगर आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और मैनुअल ठीक से तैयार नहीं करे, बड़े क्रिटिकल डिसीजन के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, तो एक खराब फ्रेंचाइजी आपको पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। फ्रेंचाइजी ऐड करने के लिए जल्दी मत करिए, फिर बता रहा हूं आपको, फ्रेंचाइजी कई लोग मैं देखता हूं आते हैं, अरे कोई भी इन्वेस्टर मिला, मेरा फ्रेंचाइजी बन जा, मेरा फ्रेंचाइजी बन जा, ऐसे बिजनेस नहीं होता। पैसा लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन टाइम एनर्जी मनी ठीक से साथ साथ लगाने वाले सारे लोग नहीं मिलेंगे। वो अपना पैसा तो डाल देंगे आपके धंधे में, लेकिन स्लीपिंग पार्टनर की तरह रहना चाहते हैं। उनको क्या चाहिए, पैसा लगा दिया, प्रॉफिट घर पे भेजता रहियो। अरे ऐसे बिजनेस में आपके लिए खतरा बढ़ जाएगा। ध्यान रखिए, चूज करिए अपना फ्रेंचाइजी पार्टनर। जैसे आपने अपनी शादी के लिए लड़की चुनी थी, समय लगाया था कि किससे शादी करूं, ये फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी भी एक शादी है, इसमें तलाक की संभावना गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। राइट पार्टनर चूज करिए। नॉन बिजनेस बैकग्राउंड का अगर आपने आदमी लगा दिया जिसको बिजनेस रन ही नहीं करना आता, आपका ब्रांड डुबो डालेगा। आपको उसके प्रोसेस में कितना कंट्रोल ला सकते हैं, शुरू से ही आपको बताना पड़ेगा कि वेरिएशन की संभावना नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन पर चलेंगे। एक बार और, वेरिएशन की संभावना नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन पर ही चलना होगा। ये कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बार बार जाके आप देखिए वहां क्लीनलीनेस कैसी है, वहां कस्टमर सर्विस कैसी है, वहां प्राइसिंग कैसी है, वहां क्वालिटी कैसी है। इसको एक्सपैंड करने में शुरू में एक बच्चे को बड़ा करने जैसा है। हालांकि अगर आप उदाहरण देखें मर्जर एक्विजिशन, वो आसान है। मर्जर एक्विजिशन में क्या है कि आपने रनिंग बिजनेस को उठा लिया, लेकिन इधर फ्रेंचाइजी के अंदर आपको एकदम शुरू से बढ़ाना है। मर्जर एक्विजिशन एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को उठाना है, और फ्रेंचाइजिंग ये न्यू ऑपरेशंस बिल्ड करना है। तो फ्रेंचाइजिंग में मतलब आपने एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कराया, पहला कस्टमर आप पहली बार लाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई चलती चलाई कंपनी खरीद ली, वो एक्विजिशन मर्जर हो गया, वो बड़ा बढ़ाया काम है। बहुत ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा आपको। मार्केटिंग कैसा होगा, सेल्स स्टाफ कैसा हायर करना है, उनका ट्रेनिंग कैसा करना है, साइनेज कैसा होना, बिजनेस कार्ड कैसा होगा, लेटर हेड कैसा होगा, अलग अलग स्टेशनरी कैसा होगा, हर चीज को लेकर के। और दूसरा, शुरुआत में अपने बिजनेस में अच्छा लॉयर जरूर रखिएगा, एक अटॉर्नी हायर कर लीजिए। आपके डील ब्रेकर्स और आपके डील मेकर्स शुरू से ही प्रॉपरली ड्राफ्ट हो जाने चाहिए, ताकि क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, उससे आप कंट्रोल बनाए रखेंगे। शुरू में अगर हेजी हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट कर जाएंगे। अगर आप एक स्टार्टअप हैं, शुरू से ही फ्रेंचाइज डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट अपना बना लीजिए। ये एकदम डिस्टिंक्ट फॉर्मेट होना चाहिए, ये नहीं कि रटा रटा या स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बाहर से उठाया, जिसकी जो आपको लॉयर आपको सिखाएगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, जिससे आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन को शुरू से ही कंट्रोल कर लेंगे। शुरुआत में एक गड़बड़ करी, आपके नाम को कॉपी मार के बाद में आदमी आपको बिल्कुल बर्बाद, एकदम सड़क पर ला सकता है। एज अ फ्रेंचाइजर आप सबसे बड़ा रिस्क उठाते हैं अपना ब्रांड किसी के हाथ में पकड़ा देने का। आपका ब्रांड आपका बच्चा है, और अपना बच्चा किसी भी अनजान आदमी के हाथ में देना बहुत बड़ा खतरा है। याद रखिए, आपका ब्रांड के पीछे आपकी वैल्यूज, आपके बिलीफ, आपका कल्चर, आपका एटीट्यूड, आपका नेचर, वो सब सामने वाले को समझ में आना जरूरी है। मॉनिटर करिए, लगातार मॉनिटर करिए उसकी हर एक एक्टिविटी को, और उसको बताइए कुछ भी नया करेगा परमिशन लेना पड़ेगा उसको। बड़ा क्रिटिकल
एथिकल होना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क उठाया तो बहुत बड़ा खतरा होगा। कई बार शुरू में रैपिड एक्सपेंशन के चक्कर में कोई आपको पार्टनर तो मिलता नहीं, आप किसी को भी ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्रेंचाइजी की लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी जगह पर डाल के अपने बिजनेस को बर्बाद ना करें, ना तो फ्रेंचाइजी चला पाएगा और ना आप उसको प्रॉपर्ली सपोर्ट कर पाएंगे। इनफैक्ट शुरू में तो ऐसा करिए कि अपनी होम लोकेशन के नजदीक ही रखिए। आप हब एंड स्पोक फॉर्मूला रखिए, ये आप हब हैं, आप बीच में ये स्पोक्स हैं, ताकि आप इधर से इधर भी जा सकें, इधर भी जा सकें, इधर भी जा सकें, इधर भी जा सकें। हब एंड स्पोक मॉडल रखिएगा, एक बड़ा बीच में कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड हब, और वो स्पोक्स तक कंट्रोल कर ले। तो आप शुरुआत में लोकेशंस पे बड़े केयरफुल रहिएगा, क्योंकि अगर आपका कंट्रोल बाहर निकला आप गए। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, अपना मेंटर शुरू से बना के रखिएगा। अगर व्यापार में आपके पास मेंटर ही नहीं है, कई लोग आपको मेंटरिंग देने के लिए तैयार होंगे, आपकी इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, और या फिर कोई लीडरशिप या स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट, जैसे कि आप हमको भी अप्रोच करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, आपको मेंटरिंग दे करके आपको स्टेप बाय स्टेप ग्रो करने में मदद करते हैं। लीडरशिप फनल में आप आते हैं, आप हमसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, डायरेक्ट आके पूछते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, हम आपकी मदद करते हैं। आपके पास संभावना है, बहुत संभावना है, लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते अपने ऊपर। आप इन्वेस्ट करिए अपने ऊपर और अपने स्टैंडर्डाइज ब्रांड क्रिएट करिए, देश भर में आपका नाम हो, मुझको खुशी होगी, आपको खुशी होगी, आप देश में व्यापार बिल्ड करेंगे, रोजगार तैयार करेंगे। यही हमारे देश का सपना है, छोटे छोटे व्यापारी को देश के अंदर बहुत बड़ा बना देना है। फ्रेंचाइजी बिजनेस का पार्ट टू तो मैं डालने वाला हूं। अगर आपने, ये था फ्रेंचाइजर के दृष्टिकोण से, आगे बताऊंगा फ्रेंचाइजी के दृष्टिकोण से। अगर आप फ्रेंचाइजी हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा, अपने आसपास कई लोगों को सब्सक्राइब कराइए, ताकि उनकी भी मदद हो सके, लगातार ये वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे अगर आप बेल आइकॉन को हिट कर दें। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक हर बार करिए, आपका एक एक लाइक मेरे लिए बड़ी कीमत रखता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय जाता है। और वीडियो उन सब लोगों को शेयर करिए जिनको, जो प्लान कर रहे हैं अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। अगर आप बच्चे लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, स्टूडेंट लोग, अपने फादर, अपने पेरेंट्स को शेयर करिए जो प्लान कर रहे हैं अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। नीचे कमेंट में लिखिए और कौन सी प्रॉब्लम है आज हमारे देश के अंदर बिजनेस से संबंधित जो मैं अपने वीडियो से सॉल्व कर सकता हूं, और कौन सी प्रॉब्लम है आज हमारे देश में बिजनेस से संबंधित जो मैं अपने वीडियो से सॉल्व कर सकता हूं। आपके हर एक कमेंट को आके ध्यान से पढ़ता हूं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो वापस आके देखने के लिए हर बार प्रेम पूर्वक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।